कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के रजोपा गांव के पास मध्य प्रदेश के श्योपुर से चलकर कोटा के लिए जा रही एक निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान बस में करीब 50 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस पलटने के दौरान बस में सवार करीब 27 लोग घायल हुए हैं, उन्हें निजी और एम्बुलेंस वाहनों से इटावा अस्पताल में भर्ती किया गया है। गंभीर रूप से 9 घायलों को कोटा रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पूर्व विधायक प्रेमचंद्र नागर भी अस्पताल पहुंचे, घायलों की कुशल क्षेम पूछी। तो वहीं इटावा एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना के बारे में जानकारी लेते रहे। आज रविवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर से चलकर कोटा जा रही एक निजी बस रजोपा के पास कैंपर को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर गिर गई और साइड में जाकर पलट गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे जो कि यात्रा कर रहे थे, इनमें से 27 लोग घायल हैं। 9 घायलों को नाजुक हालत में कोटा रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।